नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एकनाथ शिंदे तमाम बागी विधायकों को लेकर आसाम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में बैठे हुए हैं। लाखों रुपए का रोज खाना खाया जा रहा है। उनका कहना है कि अब तक हमारे पास 40 विधायक हैं, और भी कितने आ जाए पता नहीं, लेकिन 40 विधायक पुख्ता हैं, यह कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के द्वारा। क्योंकि एक न्यूज चैनल के द्वारा जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तब वह इस बात को कहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की सारी बातें सुनेंगे यदि आप, आपको बिल्कुल समझ में आएगा वह इस वक्त भ्रमित हैं। वह यह तय नहीं कर पा रहे कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि यह समीकरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं, मतलब भाजपा में मर्ज हो जाते हैं, तब भी उनको वह सम्मान मिलेगा या नहीं जिसका वह अपने आप को हकदार मान रहे हैं। यह बिल्कुल एक सच्चाई है इस वक्त। वह सम्मान क्या मिल पाएगा उन्हें? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा हाल हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया एकनाथ शिंदे से कि आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं दे, मतलब जारी कर देते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं। अब किस बात का विचार? दो तिहाई से अधिक तो विधायक आपके पास हैं, अब किस बात पर विचार चल रहा है? यह सोचने वाली बात है। वह यह कह रहे हैं कि हम कल भी सच्चे शिवसैनिक थे, आज भी सच्चे शिवसैनिक हैं। हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के शिवसैनिक हैं, यानी कि वह उद्धव ठाकरे को शिव सैनिक मानने से लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात पर कह रहे हैं कि अभी हम फैसला कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर नहीं पाए हैं, अभी शायद पूरे 55 विधायक चाहिए उन्हें। एक लंबा समय बीतता जा रहा है, अब तक विचार हो जाना चाहिए था। उसके बाद उनसे एक सवाल और पूछा जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या बीजेपी की मदद से सरकार बनाएंगे। बहुत बड़ा सवाल किया गया यहाँ पर कि आप मुख्यमंत्री क्या बनेंगे बीजेपी की मदद से, या बीजेपी में आप मर्ज हो जाएंगे। इस पर भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अभी हम इस पर भी विचार कर रहे हैं, अभी हमने सोचा नहीं है। यह कहना है एकनाथ शिंदे का, भ्रमित हैं। उन्होंने एक बड़ा कदम उठा तो लिया है, लेकिन इस कदम का जो डेस्टिनेशन है वह कहाँ है, क्या है, उनको नहीं मालूम। इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसको सोचकर वह बेहद चिंतित हैं। क्योंकि यदि वह शिवसेना में भी जाते हैं तो शायद उनको वह सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है धीरे धीरे शिवसेना से उनकी कन्नी काट दी जाए। और भाजपा पर भी वह उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कब तक भाजपा उन्हें सर्वोच्च पद देती रहेगी। तमाम नेता भाग कर आ रहे हैं भाजपा में, क्या सबको सर्वोच्च पदों पर बैठा देगी? बिल्कुल नहीं। इससे ज्यादा सम्मान तो उनका शिवसेना में ही था। इस बात को सोचकर शायद वह बेहद चिंतित हैं। वह क्या फैसला लेंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यह बात समझ में आ गई है कि वह भाजपा पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और शायद वो शर्मिंदा भी हो रहे होंगे अपने इस उठाए कदम को लेकर। काफी चिंता में है एकनाथ शिंदे, और चिंता कहना गलत होगा, भ्रमित है एकनाथ शिंदे। इतना ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं कि वह एक फैसला लेने के लिए अब तक सोच रहे हैं, जबकि उनके पास 40 से अधिक विधायक मौजूद हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।